व्हाट्स अप गाइस, आज मैं जियो गीगा फाइबर के प्लान्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जियो ने जो लॉन्च किया है 699 प्लस टैक्स के साथ आपको स्पीड 100 Mbps और 100 GB की डाटा मिलेगी। सिल्वर में आपको 849 प्लस GST 100 Mbps की स्पीड में 200 GB डाटा मिलेगी। गोल्ड में 1299 250 Mbps की स्पीड में 500 GB डाटा मिलेगी। डायमंड में 2499 प्लस 18% GST 500 Mbps की स्पीड में 1250 GB डाटा मिलेगी। प्लैटिनम में 3999 1 GB की स्पीड में आपको 2500 मतलब 2500 GB डाटा मिलेगी। टाइटेनियम में 8499 प्लस GST 1 GB की स्पीड और 5000 GB आपको डाटा मिलेगी, वो भी SUP पे। सारे प्लान्स में जो है आपको वॉइस फ्री मिल रही है, मतलब लैंडलाइन कनेक्ट करके आप वॉइस पे बात कर सकते हैं। TV वीडियो कॉलिंग भी सारे प्लान्स में आपको मिलेंगी। गेमिंग भी आपको सारे प्लान्स में मिलेंगी। होम नेटवर्किंग भी आपको सारे प्लान्स में मिलेंगी। प्रीमियम कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ डायमंड प्लैटिनम और टाइटेनियम में मिलेंगी। और जो वेलकम ऑफर है इसके तहत आपको फर्स्ट 6 मंथ तक ब्रॉन्ज जो 699 पे है उसमें 50 GB एक्स्ट्रा डाटा, सिल्वर पे 200 GB एक्स्ट्रा डाटा और गोल्ड पे 250 GB एक्स्ट्रा डाटा, डायमंड पे 250 GB एक्स्ट्रा डाटा मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए। तो मैं अपना व्यू बता देता हूँ, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है जो आपको 500 to 600 या 700 में अनलिमिटेड डाटा देते हैं, वो भी 60 to 70 Mbps की स्पीड में। आपको उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे किसी चीज़ की भी सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये पर ईयर की ले सकते हैं, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया, उसके वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन आप दूसरे जो OTT एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए अप्लाई ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड में 100 GB डाटा जो होता है वो बहुत ही कम होता है। आप अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो 2-3 दिन या 5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको वाउचर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, जो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए आप जियो गीगा फाइबर के ना लें। इसके अलावा आपके एरिया में जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है उनसे आप फाइबर कनेक्शन उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अभी जो है सारे जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स हैं मेरे हिसाब से वो फाइबर में अपग्रेड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।